10W40 यूज़ कर रहे हैं, एक लिक्विड मोली का भी आता है वो इससे थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो इंजन ऑयल जो है काफ़ी रेड टाइप का है, रेडिश टाइप का है। और इसको भी रिमूव करना है, उसके बाद ही हम लोग डालेंगे। और देखिए चाहे तो आप इसको पूरा ही निकाल सकते हैं, वैसे इसको पूरा निकाल सकते, ये खुलना है स्क्रू ड्राइवर से, इसका वो बाहर निकल जाएगा। दिखा रहा हूँ, वक्त आ गया इसको निकालने का। तो भाई देखो कितना ही गंदा है यार। और दूसरे साइड वाला पैनल जो वहाँ रखा है उसको लगाएंगे। देखिए अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्चुअली इसमें 3.6 लीटर जाते हैं। तो आइए अब इसको फायर अप करके थोड़ा वार्म अप करते हैं। तो कैसे हो भाई लोग, फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेल्टा एडमिन में, और मैं हूँ अविराज। थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे जो कि वीडियो है ये एक, इसमें आपको हम बताएंगे कि घर पे बैठे भाई कैसे करना है सर्विस किसी भी सुपर बाइक को। जो बेसिक सर्विस होता है जिसमें आपका चेंज होता है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर साफ होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, साजो सामान सब हो गया है कि अरेंज है, ठीक है। और देखो यार हम वैसे 10W40 यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पहले भी हम ये यूज़ कर चुके हैं, तो काफ़ी बेहतरीन है यार ये, आप लोग बहुत से YouTube चैनल में देख चुके होंगे। एक लिक्विड मोली का भी आता है, वो इससे भी हल्का, मतलब स्लाइटली इससे थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो यहाँ मिलता नहीं है। इसी को यार खोजने में काफ़ी टाइम लग गया, रांची से मंगवाना पड़ा। फाइनली एक मेरा फ्रेंड है सुमित, उसने वहाँ से भेजा ये। इसमें 3.5 लीटर के आसपास लगता है, तो 4 डब्बा है हम लोग के पास मोटुल का 7100 10W40। देखो जो गाढ़ा पानी है इसका 10W40 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यार देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसके नीचे एक नट होता है, देखिए ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे और यहाँ से ही पूरा इसका जो इंजन ऑयल है वो निकलेगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग रिमूव करते हैं, और उससे पहले मतलब वो बोल्ट को खोलने से पहले सबसे पहले हमको कोई भी सुपर बाइक या फिर नॉर्मल बाइक्स भी थोड़ा वार्म अप करना होता है, क्योंकि उससे जो इंजन ऑयल होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो निकलने में आसानी होता है। ठंडा अगर इंजन है और अगर आप वो बोल्ट खोल दोगे तो ऑब्वियसली वो पूरा ड्रेन आउट नहीं होगा अच्छे से। तो ये पहले इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको वार्म अप करते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके हैं, ज़्यादा नहीं, बस खाली 5 मिनट तक इसको स्टार्ट करके हम लोग रखेंगे, थोड़ा इंजन हीट हो जाएगा, इसके बाद ही हम लोग वो बोल्ट खोलेंगे और उसका ड्रेन आउट करेंगे पुराना जो इंजन ऑयल है। भाई टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं 70 से ऊपर हो गया। अब इसका वक्त आ गया है बोल्ट खोलने का, जहां से मोबिल इसका ड्रेन आउट करेंगे। और इसका जो ऑयल फिल्टर है ना, आपको वो दिखा देते हैं। देखो यार यहां लगता है वो ऑयल फिल्टर, इस तरीके से इसको खोलना होगा, ये सबसे मुश्किल काम होता है। वो बोल्ट खोल के इसमें हम लोग निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। एक्चुअली जब इसका हम सर्विस किए थे तो वो 2200 पर सर्विस किए थे, और आप लोग देख लीजिए अभी कितना है, तो ये 9331 किलोमीटर चल गया, तो 1000 किलोमीटर फालतू चला चुके हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। जो राइडिंग स्टाइल है ना वो बहुत ही हार्श नहीं है, मैं बहुत ही ईजी वे में ही चलाता हूँ, इसीलिए थोड़ा वो इतना हम चला चुके हैं। लेकिन कोई कोई जो भाई पूरा ही रेव करते हैं और पूरा हाइपर राइड करते हैं, तो उनके लिए तो भाई 5000 to 6000 मैक्सिमम, वैसे हम 7000 चला चुके हैं। तो आइए उसको पहले हम लोग ड्रेन आउट करते हैं। तो भाई देखिए कुछ ऐसा रेंज होगा इसको खोलने के लिए, आप पहले चेक कर लेना कौन से इंजन, कौन सा रेंज आपका वो लगेगा इस बोल्ट को खोलने के लिए, ठीक है। Thank you.
यार कितना इंजन ऑयल जो है काफी रेड टाइप का है, रेडिश टाइप का है। और लगभग 3.5 लीटर के करीब ही इसमें अटता है। यार देखो थोड़ा उधर से आपको दिखाते हैं। और ये वो जो बोल्ट है, ठीक है, ये बोल्ट है। और कलर यार देखो भाई, ये ज़्यादा काला नहीं है, वही आपको हम बता रहे थे। ये भी 1000 किलोमीटर मेरा और चलता, क्योंकि मैं बहुत ही हाइपर राइड नहीं करता हूँ, बहुत ही इंजन में प्रेशर भी नहीं देता हूँ, मैं लो आरपीएम में ही राइड करता हूँ। इसीलिए मेरा जो इंजन है, जो इंजन ऑयल एक्चुअली वो उतना ये नहीं हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग वेट करते हैं पूरा ड्रेन आउट होने के लिए। तो भाई देखो अभी भी इंजन ऑयल इसका ड्रेन हो ही रहा है बूंद बूंद करके, और थोड़ा इंजन गर्म भी है, इसको ठंडा भी होना है। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी आप इंजन ऑयल इसमें वापस से डाल रहे हैं ना, इंजन ऑयल डालने से पहले, रिफिल करने से पहले, इसको भाई थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो पूरा ठंडा हो जाए, वैसे अभी गर्म है, थोड़ा ये जब ठंडा हो जाएगा ना प्रॉपर, तभी डालेंगे। अब ऐसे बूंद बूंद करके देखिए ना, तो ये गिर रहा है देखिए, और इसको भी रिमूव करना है, उसके बाद ही हम लोग डालेंगे। देखिए ये साइड वाला पैनल हम खोल चुके हैं, क्योंकि इसको रिमूव करेंगे और इसके अंदर ही मेरा एयर फिल्टर है जिसको साफ़ करेंगे। बीएमसी का एयर फिल्टर हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, उसको ऑर्डर दिए हैं, वो भी आएगा कुछ दिनों बाद, तो फिर से उसको कर लेंगे। वैसे फ़िलहाल इसी को साफ़ करके काम चलाएंगे। और इसको खोलने का जो सीधा तरीका है ना, देखिए कि यहाँ पे नट होता है, ठीक है, इस नट को खोल लीजिए और एक इस नट को, इसके बाद देखिए जो सटा रहता है ना, ये पैनल आपका खुल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ऐसा रहता है वो, ये सेट हो जाता है इसमें, देखिए यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा, फिर ये इसको आप ऐसे खींच लीजिएगा तो ईजिली बाहर आ जाएगा। तो दूसरे साइड वाला भी पैनल हम देखिए खोल चुके हैं, वहाँ रखे हैं। नट को संभाल के रखिएगा, इन्हें कि भाई काम गड़बड़ हो जाए। अब इसको रिमूव करने के लिए टंकी को ये दोनों नट खोलेंगे, और यहाँ पर जो है नट इसको ये वाला, ताकि ये ऊपर आ जाए, खुल जाए, फिर हम लोग एयर फिल्टर के पास हम लोग का एक्सेस हो जाएगा। आपको दिखाते हैं, देखिए चाहे तो आप इसको पूरा ही निकाल सकते हैं, वैसे इसको पूरा निकालेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को जो टंकी है ना, हम लोग को अभी टंकी बस खाली ये ऊपर करना है, और ये दोनों नट हम लोग पूरा खोल दिए हैं। देखिए अब ये ऊपर आ जाएगा, देखिए देख रहे हैं, ये जो है अब ये ऊपर आ जाएगा। तो आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो भाई आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं एयर फिल्टर निकालने के लिए, है ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि भाई पूरा ये टंकी रिमूव ही करना पड़ेगा, फ्यूल टैंक यहाँ से हल्का ढीला कर लीजिए ये नट, और ये उड़ जाएगा। आगे का तो दो नट रिमूव ही कर दिए हैं, इसको ऊपर करके ऐसे करके आप इसको स्टेबल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ये नट खोलना है, ये जो नट है ना, ये बस ये खोलना है स्क्रू ड्राइवर से, इसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। तो दिखाते हैं आपको। तो भाई देखिए ये सारा जो नट है ये खोल चुके हैं, अब वक्त आ गया है इसको निकालने का। तो भाई देखो कुछ ऐसा होता है, ये थ्रोटल बॉडी है, इसको भी थोड़ा सा साफ़ करेंगे, पूरा कार्बन लगा हुआ है। और ये हम लोग का फिल्टर, निकालते हैं इसको। तो भाई देखो कितना ही गंदा है यार, इसका जो एयर फिल्टर है कितना गंदा है। इसको किसी तरह साफ़ करके हम लोग डालेंगे बीएमसी का, जब तक हम लोग ऑर्डर किए आता है तब तक बीएमसी का एक बार एयर फिल्टर आ जाएगा, तो फिर उसको हम लोग चेंज कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी इसी को साफ़ करना पड़ेगा। तो भाई फाइनली हम लोग इसका जो एयर फिल्टर था, उस एयर फिल्टर को निकाल करके साफ़ किए, और भाई देखो कितना कचरा निकला, देख रहे हो, ये से जो धूल है ना देखो इसमें, भाई इतना गंदा था एयर फिल्टर, उसको चेंज करना ही होगा। देखते हैं कब तक आता है मेरा बीएमसी का। और फ्यूल टैंक को वापस से अपनी जगह पर लगा दिए हैं, बस ये साइड पैनल इधर वाला और दूसरे साइड वाला पैनल जो वहाँ रखा है उसको लगाएंगे। और इंजन अभी भी गर्म ही है, उसके बाद हम लोग ऑयल फिल्टर को निकाल के इसके बाद लगाएंगे, इसके बाद इसका इंजन ऑयल डालेंगे। तो भाई देखो
इतना रात हो गया और क्यों हुआ हम तुमको बताते हैं, क्योंकि देखो ये जो आपका जो एयर फिल्टर रहता है ना, सॉरी ये जो आपका ऑयल फिल्टर रहता है, इसको निकालना मतलब नेक्स्ट लेवल डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल से हम लोग निकालें। और अभी एयर फिल्टर हम लोग, अरे यार एयर फिल्टर बोल रहे हैं, अभी ऑयल फिल्टर हम लोग इसमें इंस्टॉल किए हैं लुब्रिकेंट करके, तो अभी टाइट करेंगे। करें हाँ, तो भाई फाइनली अब वक्त आ गया है, हम लोग इसमें इंजन ऑयल डालेंगे। और जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं 10W40 है वो, और मोटुल है 7100। बहुत लोग 20W40 भी डालते हैं, लेकिन रेकमेंडेड शायद यही है। और इसमें इसका जो इंजन में इंजन ऑयल जाता है वो जाता है 3.6 लीटर। हम लोग ऑयल फिल्टर जो डाले हैं उसमें हल्का सा ही लुब्रिकेशन किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। तो आइए चलिए इसको फिलअप करते हैं। देखो ओरिजिनल का पहचान ये है, ऐसा सील रहेगा और ये जो है आपका वाइट रहेगा अगर निकल जाएगा का ये। तो जैसे भाई बहुत रात हो गया, क्योंकि इसका जो ऑयल फिल्टर था ना, निकालते निकालते हम लोग का पिछला जन्म याद आ गया। तो देखिए हम डालेंगे, हवा निकल गई। देखिए अब आपको एक चीज़ बताते हैं, एक्चुअली इसमें 3.6 लीटर जाता है, और 3.6 लीटर हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसका लिखा हुआ है 400, 500, 600। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो भरा हुआ है ना उतना मोबिल निकाल देंगे, और एग्जैक्ट जो 6 है, 6 पर इतना देख लीजिए यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद बोला डाल देंगे। तो 3 लीटर हम लोग उसमें डाल चुके हैं, अब देखिए हम लोग एग्जैक्ट जो है ये 6 है, आप ध्यान से कर देखोगे तो देखिए। और ये बाकी का हम लोग उसमें डालेंगे, तो 3.6 लीटर इसमें चला गया। अब इसको बंद करते हैं, देख लो यार अंदर को अगर कुछ दिख रहा है तो, ये हम लोग वापस से लगा देते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ना, तो देखिए यहाँ पर जो ये वाला, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये, इसके लेयर पे वो आ जाएगा अगर हम गाड़ी को सीधा अगर रखेंगे तो। लेकिन हम लोग नाप के डालें तो 3.6 परफेक्ट है। अब इसको चलिए थोड़ा फायर अप करते हैं, थोड़ी देर इसको वार्म अप करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको फायर अप करके थोड़ा वार्म अप करते हैं। छोटा सा वीडियो कि आप घर पर किस तरह से बेसिक जो सर्विस होता है सुपर बाइक का, खास करके जो ZX6R है, वो कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, राइड सेफ, जोहार, ब्लेस यू।